देवभूमि उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाएं साल दर साल बढ़ते ही जा रही है, जिस वजह से कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो जाते हैं। वन अग्नि की घटना से फल फूल पशु पक्षी और कई वन्य जीवों के अलावा अब लोगों की मौत की वजह भी जंगल की आग बन रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा में भी वन अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती ही गई हैं। लोकल 18 की टीम ने जंगलों की आग के बढ़ते मामले को लेकर अल्मोड़ा के वन विभाग कार्यालय से आंकड़े जुटाने की कोशिश करी तो हमें पता चला हर साल जंगलों की आग के आंकड़े बढ़ते ही गए हैं। अगर हम बात साल 2023 की करें तो अल्मोड़ा में 144 वन अग्नि की घटनाएं सामने आई, जिसमें 195 हेक्टेयर जंगल जले। तो वहीं इस साल के आंकड़े की बात करें तो करीब 163 वन अग्नि की घटनाएं सामने आई, जिसमें से 296 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हुए। इसको लेकर अल्मोड़ा के DFO दीपक सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। देखिए, इस बार जो ड्राई स्पेल का जो एक्सटेंट था वो काफ़ी अधिक था। नॉर्मली हम मार्च अप्रैल मई तीनों माह में हमने देखा कि ड्राई स्पेल कंटिन्यूस बना रहा और इसी की वजह से जो है फायर की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि आई। जैसा कि मैं बता दूं, इस वर्ष यदि आज तक की मैं बात करूं तो लगभग 296.3 हेक्टेयर जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, और फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत रिजर्व फॉरेस्ट भी हैं, वन पंचायत भी हैं और सिविल फॉरेस्ट भी हैं, इन तीनों का योग करके मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 296.3 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है हमारे वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। अभी देखिए, वर्तमान में आज की बात करें तो आज के डेट में कोई भी अलर्ट पूरे प्रदेश में नहीं है, और इसका मुख्य कारण जो है जो पूरे प्रदेश में लगभग बारिश हो रही है। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि लगभग इस साल की जो डेटा आप देखेंगे तो 170% फायर हुआ है। इसका मतलब हुआ कि लगभग पिछले वर्ष के तुलना में लगभग 70% इंक्रीज हुआ है, और नेट कितना इंक्रीज हुआ इसकी प्रदेश लेवल तक एनालिसिस की जाएंगी और जो भी डेटा आएगा आपके समक्ष शेयर किया जाएगा। ये देखिए, इस वर्ष का जो अनुभव रहा है पूरे प्रदेश में पूरे प्रभागों में, इसको देखते हुए जरूर इसको जो भी हमारे तरफ से जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई होंगी उसको सम्मिलित करते हुए काफ़ी रॉबस्ट जो हमारा फायर प्लान बनेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित करेंगे। जैसे कि इस बार विचार है कि हमारे पास भी फायर टेंडर की गाड़ियाँ होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में FSO के अलावा भी यदि हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने विभागीय गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकें, और इसके संबंध में जो है डिमांड जो पुटअप की जाएगी। अगर जंगलों की आग साल दर साल बढ़ती ही गई तो आने वाले समय में इसका परिणाम और भी घातक हो सकता है। इसके लिए वन विभाग और उच्च अधिकारियों को देखने और समझने की जरूरत है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।